नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी में आयोजित कृषि विकास समापन कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस कार्यशाला का आयोजन का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना रहा। आयोजन में प्रदेश के तमाम कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए और इस दौरान सीएम योगी ने कहा, पिछले 2-3 वर्षों से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, इससे काफी सेक्टर्स को नुकसान हुआ, लेकिन कृषि क्षेत्र में 3.5% की ग्रोथ प्राप्त की गई है। देश तब उन्नति करेगा जब उत्तर प्रदेश खड़ा होगा, उन्नति करेगा। क्योंकि मुझे आज दिल्ली में एक कार्यक्रम में जाना था। देश प्रगति तब करेगा जब उत्तर प्रदेश प्रगति करेगा। देश तब खड़ा होगा जब उत्तर प्रदेश खड़ा होगा। और उत्तर प्रदेश में कृषि सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है, सर्वाधिक किसान उत्तर प्रदेश में है, और इस पीढ़ी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो आज प्रातःकालीन सत्र से मैं अपने कृषि उत्पादन आयुक्त से प्रातःकाल, क्योंकि मुझे आज दिल्ली में एक कार्यक्रम में जाना था और मुझे लगता था कि मैं हो सकता है कि शाम तक इस कार्यक्रम के लिए खाली हो पाता हूं कि नहीं पाता हूं, तो मैं उनके संपर्क में था और मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छे मुद्दों पर इन यहां पर चर्चाएं हुई और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में जो डॉक्टर आरबी सिंह जी ने कहा है कि एक ठोस रोडमैप हमारे पास होना चाहिए, एक एक्शन प्लान हमारे पास होना चाहिए जिसे हम न केवल इम्प्लीमेंट कर सकें बल्कि समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावी ढंग से उसे आगे बढ़ा सकें। वहीं झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह के अलावा बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम योगी और सीएम धामी भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता हैं, झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं। वो पहली ओडिया नेता हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया। तो आज पूरे दिन देशभर में अग्निपथ योजना के विरोध में विरोध देखने को मिला और इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में अब संयुक्त किसान मोर्चा भी उतरता नजर आया। अग्निपथ योजना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सड़कों पर उतरने का ऐलान किया हुआ था। प्रदेश के कई हिस्सों में इस योजना के विरोध में किसान संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान देखे गए और साथ में इससे जुड़े हुए लोग भी देखे गए। तस्वीरें आप देख पाएंगे, तस्वीरें फरुखाबाद की, हरदोई की, गाजियाबाद की, गाजीपुर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर और ग्रेटर नोएडा की। तो मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने में वर्ष 2008 में सरधना से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम के खिलाफ सरकारी कार्यों में बाधा डालने और आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में शुक्रवार को संगीत सोम एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। संगीत सोम के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि 2009 में जब सोम समाजवादी पार्टी के सांसद उम्मीदवार थे, उस वक्त उनके समर्थकों ने मालवीय चौक पर गाड़ियां खड़ी करके रास्ता रोका था। हालांकि इस दौरान संगीत सोम मौके पर नहीं थे। इस मामले में संगीत सोम आज पेश हुए थे और अब एविडेंस के लिए 6 जुलाई की तारीख तय हुई है। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर के भी अपनी राय साझा करी है। उन्होंने हिंसा के बारे में बोलते हुए कहा कि अग्निपथ योजना देश के लिए सबसे मजबूत योजनाओं में से एक है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। चुनाव लड़ते उस टाइम का एक मामला था, तो वैसे ही जो पॉलिटिकल मामले होते हैं उसी तरीके का मामला। देख सर, जो भी तारीख होती है हर पेशी पे आते हैं, हर तारीख पर आते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल कानून का पालन करना चाहिए और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कानून का पालन करते हैं, तो क्योंकि कोर्ट की तारीख लगती है तो उस पाते हैं। हम दूसरी पार्टी के गुंडों की तरह तो है नहीं कि वो तारीख पे भी नहीं आते, दादागिरी भी दिखाते हैं, नोटिस का भी जवाब नहीं देते, तो इसका तो कोई मतलब नहीं। क्या न्यायालय पर भरोसा है कि नहीं? 100% न्यायालय पर भरोसा। नुपुर शर्मा कांड चल रहा है तो क्या कहना चाहते हैं?
अब क्या सुनना चाहते हैं? कुछ भी जो लगे कि न्याय मिले लोगों को या जो भी आबादी। देखिए, दुर्भाग्य ये है देश का कि कोर्ट और कानून को अपना काम नहीं करने दिया जाता और कुछ लोग सड़कों पर उतर कर निर्णय खुद लेना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग सड़कों पर उतर कर न्याय। आगरा रेल डिवीजन ने पूर्णिमा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस महीने मध्य प्रदेश और राजस्थान से लाखों भक्त मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने वाले भक्तों के लिए रेल प्रशासन विशेष गाड़ियां संचालित करने जा रहा है। मुड़िया पूर्णिमा 7 से 14 जुलाई तक मनाई जाएगी। आगरा रेल डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया है कि 2 साल बाद इस महापर्व का आयोजन हो रहा है। इसके लिए रेल विभाग की तरफ से विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। देखिए, 2019 के बाद लगभग 2 साल के गैप के बाद दोबारा से इस बार मुड़िया पूर्णिमा का मेला मथुरा में 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक होना तय है। तो इसके लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो रेलवे के माध्यम से मुरैना से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कोटा साइड से आते हैं मथुरा की तरफ। इसके लिए रेल प्रशासन कई तरीके की तैयारियां कर रहा है। इस बार लगभग उम्मीद है कि 3 से 4 लाख का फुटफॉल भी मथुरा पे आ सकता है गोवर्धन के लिए। इसमें हम कुछ मेला स्पेशल ट्रेनों का प्रस्ताव रख रहे हैं और पुरानी जो ट्रेनें चल रही हैं इन साइड से आने वाली, झांसी कोटा वगैरह से, इनमें एक्स्ट्रा कोचेज लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष कोर्ट में तिरंगे के अपमान मामले में पुरकाजी क्षेत्र के गठबंधन विधायक अनिल कुमार के खिलाफ मुकदमा करने के आदेश दिए गए हैं। नई मंडी पुलिस को 7 दिन की अवधि में रिपोर्ट दर्ज करते हुए विवेचना करने को कहा गया है। आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का ये मामला 15 अगस्त 2021 का बताया गया है। ऐसा नहीं, झंडा मेरे द्वारा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे द्वारा लगाया गया था। पेट्रोल पंप पे वहाँ के स्टाफ ने वो झंडा लगाया था, बल्कि मेरा वहाँ कोई कार्यक्रम तो था नहीं जाने का। कार्यक्रम मेरा जाने का सीधा सीधा पार्टी कार्यालय समाजवादी में, उस समय था मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जाने का 9 बजे कार्यक्रम था। लेकिन मेरे स्टाफ को फोन आया कि विधायक जी 2 मिनट को आप यहाँ आ जाओ, यहाँ भी 1 मिनट के लिए हो जाएगा, उसके बाद फिर आप कार्यालय से जाना। मैंने कहा ठीक है, आप तैयारी कर लो, झंडा आप जो बांध दीजिए। उन्होंने झंडा स्टाफ ने बांध दिया, झंडे में गांठ फूल के साथ में गांठ बांधते हो, बंधा हुआ झंडा। मैं क्योंकि मैं भी खुद जल्दी में था, गया जाते ही वैसे मैंने एकदम रस्सी खींची झंडा फहराने के लिए, और एकदम राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान समाप्त होते ही मैं गाड़ी में बैठ कर सीधा कार्यालय चला गया। इतनी देर में एक फ़ोटो उस झंडे का वायरल हो गया। वायरल होते हालांकि वो लड़कों ने, स्टाफ ने एकदम जब दिखाई दिया उल्टा झंडा, तो भी एकदम सेव ही कर दिया वो, लेकिन वो एक फ़ोटो वायरल हो गया था उसमें। तो ये प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा से सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान जब वो अस्पताल और रेसिडेंशियल परिसर की बन रही दीवार पर चलने लगे तो दीवार उनके चलने भर से हिलने लगी। इसके बाद क्या था, उन्होंने दीवार को हाथ लगाया, धक्का दिया और दीवार ढह गई। जिसके बाद सपा विधायक ने कॉलेज निर्माण में घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज नहीं बल्कि प्रतापगढ़ वासियों के लिए कब्रगाह तैयार हो रही है। सपा विधायक ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऐसे घटिया निर्माण कार्य से सरकार युवाओं का भविष्य नहीं बल्कि उनके लिए मौत का इंतजाम कर रही है। तो वही आय से ज्यादा संपत्ति रखने के मामले में आरोपी रामविलास यादव बुधवार को 2.5 साल के बाद विजिलेंस के सामने पेश हुए थे। इस पूरे मामले में डायरेक्टर विजिलेंस अमित सिन्हा ने बताया कि उन्होंने विजिलेंस अफसरों के किसी भी सवाल का वाजिब जवाब नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था। उनकी पत्नी को भी वहां पर बुलाया गया लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखे। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव को राज्य सतर्कता विभाग ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी रामविलास यादव को विजिलेंस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत का फैसला सुनाया है। हालांकि 6 जुलाई को अगली सुनवाई नियत की गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद रामविलास यादव बीते बुधवार यानी कि 22 जून को देहरादून के विजिलेंस ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंचे थे।
जिसके बाद रामविलास विजिलेंस के दफ्तर में पहुंचे थे, जहां करीब 14 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई और उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मामला साल 2019 से जुड़ा हुआ है, जब उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रामविलास यादव ने अपना ट्रांसफर उत्तराखंड में करा लिया। विजिलेंस की टीम आईएएस अधिकारी रामविलास यादव पर नजर बनाए रखे हुए थी और उनकी आय से ज्यादा संपत्ति मामले पर जांच कर रही थी, लेकिन 22 मई 2022 को उत्तराखंड शासन की ओर से अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस विभाग ने रामविलास यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। रामविलास यादव को विजिलेंस की टीम में कई मर्तबा बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया, लेकिन इस जांच में उन्होंने अपना कभी भी सहयोग नहीं दिया। इसके बाद 21 जून को गिरफ्तारी के डर के चलते रामविलास यादव ने नैनीताल हाईकोर्ट में गिरफ्तारी स्टे की याचिका दायर की, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस जांच में वह विजिलेंस टीम का सहयोग करें, जिसके चलते 22 जून को खुद रामविलास यादव सतर्कता विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां लंबी पूछताछ के बाद देर रात विजिलेंस टीम ने आईएएस रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया। जहां एक ओर विजिलेंस विभाग अपने स्तर से लगातार कार्रवाई कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रामविलास यादव को सस्पेंड कर दिया। 30 जून को रामविलास यादव रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा संदेश देते हुए रामविलास यादव पर कार्रवाई की है। रामविलास यादव के आय से ज्यादा संपत्ति मामले की जांच कर रही विजिलेंस विभाग के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि लंबे समय से रामविलास यादव से संपर्क किया जा रहा था और उन्हें कई मर्तबा बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी सहयोग नहीं दिया। देखिए, इसमें जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं रामविलास यादव जी, ये इनके विरुद्ध हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति जब मिली थी मई 2022 में, उसके बाद से लगातार हम लोगों ने इनकी संपत्तियों पर कि कहाँ पे इनकी संपत्ति कैसे, क्योंकि हमने शुरुआत की अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया था कि इनकी संपत्ति आय से अधिक जो है वो 522% करीब आ रही थी, जो कि काफी अधिक थी। आईएएस अधिकारी के वकील एमएस पंत ने बताया कि विजिलेंस कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट ने रामविलास यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होनी है। सर, दरअसल जैसा कि आपको जानकारी है ही कि एक आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस रामविलास यादव के विरुद्ध एक मामला पंजीकृत हुआ था 19 अप्रैल 2022 में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग जब हमें पता लगा कि हमारे विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, तो हम उस एफआईआर के को कैसिंग के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाने के बाद हमने हाई कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें कहा कि आप विजिलेंस में जाइए और अपने बयान दर्ज कराइए। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा के प्रवक्ता विनय गोयल ने बयान देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही स्पष्ट कहना है कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है, और कोई भी कितना बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये उसी का परिणाम है। वहीं कांग्रेस ने रामविलास यादव के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में अधिकारियों के ऊपर बैठने वाले मंत्रियों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिना शह के कोई भी भ्रष्टाचार नहीं पनप सकता। देखिए, रामविलास यादव तो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं और उत्तर प्रदेश से उनकी जांच चल रही थी, उत्तर प्रदेश के वो नौकर हैं, उत्तराखंड का तो उनका कोई लेना देना था नहीं, सारी जांच तो उत्तर प्रदेश के समय से उनकी चल रही थी। यहाँ की सरकार ने कोई नया नहीं किया, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया है। और जहाँ तक गणेश जोशी जी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कई रामविलास यादव हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, रामविलास यादव हैं कहाँ? विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से उनकी सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अगर ऐसे कहीं है तो ये कहाँ छिपा के रखे हैं, कृपया उनको भी बाहर निकालिए। उत्तराखंड सरकार के आईएएस अधिकारी रामविलास यादव 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। अकूत संपत्ति के मामले में विजिलेंस के रडार पर आए आईएएस यादव अब सलाखों के पीछे हैं। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई सचिव लेवल का अधिकारी जेल गया हो, और सरकार ने साफ तौर पर इसके हिसाब से ये भी तय कर दिया है कि भ्रष्टाचार उत्तराखंड प्रदेश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे फिर वो छोटा कर्मचारी हो या फिर आईएएस अधिकारी।
कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत कांबोज, जनता टीवी, देहरादून।